शर्मा। हमीरपुर से विचलित करने वाली तस्वीरें आई हैं। एक हादसे का लाइव वीडियो वायरल हुआ है जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने दो पैदल चल रही महिलाओं को रौंद दिया, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है जबकि दूसरी महिला ने जिला अस्पताल में दम तोड़ दिया है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र के कुठैठा क्षेत्र की है। बताया जा रहा है कि ये दोनों महिलाएं अपने पिता की मौत की सूचना मिलने पर मायके के लिए जा रही थी और तभी जहां बेकाबू ट्रक ने दोनों महिलाओं को कुचला और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। आनंद फानन में घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस ट्रक ड्राइवर की तलाश में जुटी हुई है और साथ ही मामले की जांच भी कर रही है। पूर्व दौलतपुर गांव के निवासी जितेंद्र ने सूचना दिया कि मेरी बच्ची 10 बजे स्कूल गई थी लेकिन स्कूल से लौट के नहीं आई है और वो लोग तलाश करते रहे और फिर जब नहीं मिली तब वो थाने पर आके सूचना दिए। अब लोग पंजीकृत करके पुलिस टीम सरकार और वही गांव के जस्ट बगल में बाग है, अमरूद का है और छोटा सा खंडहर नुमा एक कमरा है, उसमें उस बच्ची की डेड बॉडी एक बोरे में बरामद हो गई है। सर पे चोट के निशान हैं और यह एक बहुत बड़ी जघन्य घटना है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इसका हम अनावरण करेंगे। दुष्कर्म की घटना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है लेकिन पीएम के बाद ही इसका पता चल पाएगा। हमीरपुर से संवाददाता आशुतोष दीक्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, ये दो महिलाएं जिनका जो फुटेज है वो वायरल हो रहा है, हम देख पा रहे हैं कि कैसे ये अपने पिता के घर जा रही थी उनकी मृत्यु के बाद, और कुदरत कहे इसे क्या कहें कि दोनों ही महिलाओं की मौत हो गई है, ट्रक से कुचल दिया गया दोनों महिलाओं को। जी पूजा, बताना चाहूंगा पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के कुछीचा का है जहां पर अपने पिताजी मौत की जानकारी मिलते ही दोनों महिला अपने मायके की ओर जा रही थी, रास्ते के किनारे पैदल जा रही थी और एक अनियंत्रित ट्रक जो महिलाओं को कुचलते हुए निकल गया और उसका वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। पुलिस की तत्परता देखते हुए पुलिस ने ट्रक को गिरफ्तार पकड़ लिया है और जो चालक था उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन बात यहाँ बता दूं कि एक महिला जो कि वहीं पर मौके पे ही मौत हो गई थी, दूसरी महिला अस्पताल लाई गई, यहाँ पे इलाज दौरान उसकी मौत हुई। जैसे दोनों महिलाओं का शव पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी जो चालक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा पुलिस ने तत्परता करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ट्रक और चालक को दोनों को गिरफ्तार कर लिया। जी बिल्कुल, तो देखिए हमीरपुर हाईवे पर यह घटना हुई है जहां पर ये मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। ट्रक से कुचलकर दोनों महिलाओं की मौत हुई है और ये दोनों ही महिलाएं अपने पिता की मौत के बाद अपने घर जा रही थी लेकिन दोनों ही हादसे में फिलहाल कह सकते हैं कि एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरी महिला जो कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आशुतोष, शुक्रिया करेंगे आपका इस जानकारी को हम तक साझा करने के लिए।